नमस्कार, स्वागत करती हूं आपका ज्ञान न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबर भिंड जिले के रौन थाने से है, जहां बीते दिनों कृषि विभाग अधिकारी के साथ मारपीट व हमला करने का मामला सामने आया था। तो वहीं इसके विपरीत कृषि विभाग के अधिकारी पर थाने में दो अलग अलग आवेदन दिए, जिस पर रौन विकास खंड कृषि विकास अधिकारी राकेश शर्मा पर दुकान पर आकर रिश्वत मांगने व अभद्रता पूर्वक व्यवहार करने का आरोप दुकानदार की मां ने लगाया। दिखाते हैं पूरी खबर। विकास शर्मा की माने तो उसने कहा है कि मैं समाज सेवी हूँ, समय समय पर कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो जबरन वसूली की जाती है उसका विरोध किया है और इस रंजिश की वजह से उन्हें मेरे ऊपर यह फर्जी हमले का आरोप लगाया है। इससे पूर्व में भी वह हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा करवा चुके हैं। तो वहीं दुकान पर खाद लेने आए थे, उसी दौरान शर्मा जी के द्वारा मुझसे नाम पूछा गया। जैसे ही मैंने अपना नाम बताया तो जाति सूचक गालियां देकर हमें भगाने को कहा। फिलहाल रोन थाना प्रभारी कुशल सिंह भदौरिया ने कृषि विकास अधिकारी राकेश शर्मा की फरियाद पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो वही वैष्णो माँ खाद संचालक एवं माँ एवं ग्राहक उदय भान दोहरे के द्वारा आवेदन कर जांच कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। जी, कल क्या आपके साथ में घटना घटी? कल हम दुकान पर बैठे थे, खाद लेने आए थे। तो यहाँ बैठे थे, खाद बोरी हमने के लिए, तब तक गाड़ी आई, दो जने उतर जाने थे। तो उनकी माता जी से बुरी भरी काम है, तो हम बीच विचार में गए, तो बीच विचार करण लगे, तब तक उनके तू हटे यहाँ से, तो हम नहीं हटे। तो बने कहीं कहाँ का है तू, हमने कहीं गुमान पर आ गए हैं। तो वे मतलब वैसी मतलब काम लगे, जाति सूचक गाड़ी देने लगे। कौन थे? दुकान पे जो है हमारी दुकान पे जो है लालू की माता जी के साथ में राकेश शर्मा जी आए, किसी विभाग अधिकारी, उन्होंने अभद्रता करी और हमारे एक ग्राहक उदय भवन के साथ में जो गुरानपुरा का निवासी है उसके भी साथ में अभद्रता की और उसको गाली गलौच दी, एक थप्पड़ भी मारा उन्होंने उसको। और जो है हमें रात में फिर हमें ये पता लगा 9 बजे कि उनने हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराई है रोन थाने में, और हमारे खिलाफ, और हम जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम समय समय पर कृषि विभाग के खिलाफ जो है कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं, कृषि विभाग की योजनाओं के संबंधित हम जनता में आवाज उठाते रहे हैं शुरू से, पहले से, और अभी भी हम जो है अपने खाद बीज के दुकानदारों के साथ मिलकर के अवैध वसूली होती है, जो अवैध वसूली जो करते हैं सालाना, उसमें हम इनका विरोध करते रहे हमेशा। इसलिए जो हमारे पीछे जो है पीछे पड़ गए हैं हमारे, और हमारे ऊपर 6-7 महीने पहले भी इनने अपने भ्रष्ट चपरासी के माध्यम से हमारे खिलाफ मुकदमा कायम कराया था। उसके बाद आज फिर जी कल फिर इनने हमारे साथ में ऐसे मामला है। ये सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है मिस्टर राकेश शर्मा, उन्होंने इस आशय की यह रिपोर्ट की थी। तो चेक करने वैष्णो देवी खाद बीज भंडार पर पहुंचे थे, तो वहाँ के जो संचालक हैं विकास शर्मा एवं उनके अन्य दो साथियों ने उनके साथ अभद्रता थी, अभद्रता कर शासकीय कार्य में बाधा पहुँचे और धक्का मुक्ति। इस संबंध में समुचित धाराओं में प्रकरण पंजीकृत किया गया और उनका मेडिकल। आरोपी के द्वारा कोई आवेदन आया? आरोपी ने एक आवेदन उनके विरोध में थाने में प्रस्तुत किया, जिसमें दिए गए तथ्यों की अभी जाँच की जाए। बाकी की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।